छह दस हो गए घर आ गए। तो हम बाहर रुके, 6-10 बजे तक कुछ नहीं हुआ था भाई, कुछ नहीं हुआ। 6-10 बजे हम बाहर आ गए। हमने कहा हाँ क्या बेटा, तो उसने एकदम घबराया, बोले पापा हम पे गोली चला दी और हमें बहुत बच गए हम लोग। हमने क्या है, कहाँ चलाई गोली, बोले साइड पे चलाई, साइड पे थे। तो हमने चिल्लाया बेटी को, छोटे वाले को, पिंसू तोड़ गया, पिंसू तोड़ो। तो जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा तो मैंने घर से निकला ही हूँ तो सबसे पहले फ़ोन मैंने बबीना इंस्पेक्टर साहब को लगाया। मैंने कहा सब हमारी मदद करिए। बोलिए क्या, वो क्या मदद चाहिए? हमने साहब हमारे बेटे पे हमला कर दिया है, गोली चला दी है और हमारी मदद करिए, आपसे बड़ी विनती है, हमें बहुत मदद की आवश्यकता है, आप तुरंत मदद करिए मुरली माता मंदिर पर। थानेदार ने साहब ने हमसे थोड़ा बहुत ज़्यादा अभद्रता से बात की। क्या बोला उन्होंने? कहा मुझे मतलब नहीं है, और मेरे को फ़ोन मत लगाया कर, लगाना है तेरे को तो 112 पे फ़ोन लगा। ये कहा यही सब थे बिल्कुल। अरुण तिवारी कहीं अपने बच्चे बाल बच्चे वाले हो तो वो मंदिर पे कसम कर जाए, नहीं तो मैं मंदिर पे कसम करूंगा। मैं थाने में गया FIR करने के लिए तो दरोगा जी ने मेरे को माँ बहन की गाली दी, बोले हट जाओ तुम यहाँ से, कहाँ से आ गए यहाँ, वो पाइप लाइन के लिए मिट्टी खोद रही। मैंने कहा सब चल के तो देख लो, बोले हटो यहाँ हम नहीं जाएंगे, बोले हम नहीं जा पा रहे यहाँ से। तो FIR SDM की भी नहीं लिखी गई, SDM और MO बैठे रहे थाने में और FIR नहीं लिखी गई खनिज की। पुलिस ने भी उनको मशीन चलते हुआ देखा, ट्रैक्टर चलते हुए देखे, उनने ना मशीन पकड़ी ना ट्रैक्टर, उनने सामने भागते हुए देखे। पुलिस आ गई, पुलिस के सामने किसी ने वीडियो बनाया, और वीडियो बनाते समय मशीन भी जा रही, और पुलिस आराम से सम्मान से उस मशीन को बड़ौरा चौराहे था जो बलबीर पाल की मशीन थी घर तक छोड़ के आई मशीन। उन्होंने कहा हमारे अध्यक्ष जी ने कि बीरेन सिंह वाला मामला है, सब कुछ साक्ष्य देख लो। SSP साहब बोल रहे कि उसको मेरे सब पास भारत भेज देना, उस पर 308 का मुकदमा है, अपराधी है, उसको जेल भेजेंगे, उसके कह दो क्षेत्र बना दे खेदर, नहीं तो उस पर मुकदमा कायम है, उसको उठा के चार लोगों को बंद कर देंगे, अपनी बेल करा देंगे। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे बुंदेली वार्ता। झांसी को बबीना थानों और बबीना थाने के हाईवे पे एक टोल है, टोल के झांसी तरफ गौचीखेड़ा नाम को एक गाँव है और टोल के ललितपुर तरफ एक गांव है घसौली। इन दो गांवों में आजकल तनाव है और तनाव की वजह से जिन दो परिवारों में तनाव चल रहा है उतने पुलिस तैनात करी गई है। कल ई पूरे मामला में बुंदेली वार्ता की टीम गौचीखेड़ा गांव पहुंची थी। गौचीखेड़ा गांव में रोहित को जो परिवार है उनके परिवार के लोगों से बुंदेली वार्ता ने बात करी। बुंदेली वार्ता को उनके परिवार ने जो कुछ भी कहानी बताई बा आप सबने सुनी। अब ये पूरी घटनाक्रम को एक और पक्ष है जो घिसौली में रथ है, घिसौली में रहने वाले वीरेंद्र सिंह, उनके भाई कीरत, उनके दो लड़का पे भी FIR दर्ज करी गई है। अब ई पक्ष को काकछू कहवो है, ये पूरे घटनाक्रम में आखिर का ऐसी वजह हती जी की वजह से पुलिस ने इनके ऊपर भी FIR दर्ज करी, आखिर का ऐसी वजह हती जिन्हें ये पूरी घटना को जन्म दो जब पूरी इतनी बड़ी घटना भई, ये पूरी घटना के पीछे की का कहानी है, ई पक्ष से भी अपन लोग समझने को प्रयास करें और जाने के असल घटना का हती। हालांकि ई के लाने जो जांच टीमें हैं, जांच एजेंसी हैं, ई घटना की जांच करें, मामला कोर्ट में पहुंचे तो कोर्ट अपना निर्णय सुनाए, जांच करवे वाले बुंदेली वार्ता वाले कानूनी हैं और जनता कानूनी है, जाँच के लाने पुलिस है, कोर्ट है, सब अलग अलग तरीक़े से जाँच हुई है। लेकिन दो ही पक्ष की बात सुनबो, हम लोगों को काम है, कल एक पक्ष की सुनी, आज दूसरा पक्ष है। हमारे संगे वीरेंद्र सिंह हैं और ई घटना के मुख्य किरदार घिसौली के ग्राम प्रधान हमारे बगल में हैं, पीछे जिनके ऊपर FIR दर्ज है कीरत सिंह बेबी शामिल हैं और जिनके ऊपर दावा करो जा रहा हो कि फायरिंग भई है वीरेंद्र सिंह जी के सुपुत्र बेहू तरफ हैं। तो शुरुआत करें ग्राम प्रधान से, ग्राम प्रधान शुरुआत से बताएं कि आखिर घटना की वजह का है। प्रधान जी कहाँ से शुरू हुई घटना और कितने से शुरू हो तो काय और इतनी बड़ी घटना हो गई? जैसा मिट्टी खोद रहे थे दो दिन से, तो इनको मना किया 26 तारीख को, तो इनने गाली गलौज किया। कौन कौन मिट्टी खोद रहा था? बलबीर पाल, रोहित यादव और राजेश पाल। तो बलबीर पाल ने साहब गाली गलौज किया मेरे को और एक चांटा भी मार दिया, तो मैं वहाँ से भाग के आया। कब की बात है? लगभग 26 तारीख की। मैं वहाँ से साहब पूर्व प्रमुख जी के पास आया, तो उनसे मैंने किया कि साहब ग्राम पंचायत की जगह है जो गौशाला के लिए, गौचर था वो थोड़ा,
और वो मिट्टी निकाल रहा है, तो इनने मेरे से कहा कि तुम जाओ थाने में, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं थाने में गया FIR करने के लिए, तो दरोगा जी ने मेरे को माँ बहन की गाली दी, बोले हट जाओ तुम यहाँ से, कहाँ से आ गए यहाँ, वो पाइप लाइन के लिए मिट्टी खोद रही। मैंने कहा साहब चल के तो देख लो, बोले हटो यहाँ हम नहीं जाएंगे, बोले हम नहीं जा पा रहे वहाँ से, हम लोग अभी बिजी हैं। तो मैं वहाँ से फिर आया साहब, तो मैंने फिर प्रमुख जी से कहा, बोले भाई तुम एक काम करो झांसी चले जाओ, बोले हमको मत बताओ इस चक्कर में। तो मैं झांसी गया साहब, मैंने DM साहब को FIR किया, SDM को किया। इसके बाद मैं वो SDM साहब ने कहा कि आप पहुंचो मौके पे, मैं आ रहा जहाँ मिट्टी का खनन हो रहा था। तो वहाँ पे साहब मैं आके बैठ गया, वहाँ पे SDM साहब नहीं आए। तो मैंने फिर प्रमुख जी से कहा, मैंने कि साहब पूरी मिट्टी जो ग्राम पंचायत की और जो वृक्षारोपण है सारी मिट्टी, तो यहाँ से प्रमुख जी और कुछ गांव के 10-20 लोग गए और जाके उनको मना किया। तो वो लोग मौके पे SDM साहब ने फ़ोन किया होगा, तो जब प्रमुख जी पहुँचे और इसके बाद में पुलिस भी आ गई। पुलिस ने भी उनको मशीन चलते हुआ देखा, ट्रैक्टर चलते हुए देखे, और उनने साहब जो प्रमुख जी मना कर रहे थे तो उनको तो गाली गलौज किया साहब, उनने ना मशीन पकड़ी ना ट्रैक्टर, उनने सामने भागते हुए देखे पुलिस ने साहब। इसके बाद में साहब वहाँ से फिर मैं बबीना थाना गया, तो उसने फिर डायरेक्ट मना किया, रिपोर्ट नहीं ली मेरी साहब। फिर मैं 27 तारीख को साहब मैंने खनिज ऑफिस में रिपोर्ट की, DIG साहब के पास गया साहब, उन्होंने हमारी रिपोर्ट का पूरा उनने सुना मैटर, और उनने फ़ोन लगाया तो उन्होंने हमारी जांच करवाई। ये पूरा मैटर हमारा था। बार बार जिन प्रमुख जी का जिक्र आ रहा है वो हैं बीरेंद्र सिंह जी। बीरेंद्र सिंह जी इस क्षेत्र से पहले ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, इस वजह से इन्हें प्रमुख जी के नाम से यहाँ के लोग संबोधित करते हैं। प्रमुख जी, इसके बाद की क्या कहानी है? क्या ऐसी घटना हुई कि 30 तारीख को आप बोल रहे हैं कि आपके बेटे के ऊपर फायरिंग की गई, फिर आपकी तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज हुए? ये खनिज का ही मामला है नायक जी। दरअसल ये हमारे पास आए प्रधान जी, मैं ऑफिस में था, तो ऑफिस में जो हमारा एक खुद का ऑफिस है, निजी ऑफिस, बैठा था, कैमरे में है सारे बैठा था, ये और इनके साथ वो जो ग्राम रोजगार सेवक है वो आया हमारे पास। हमसे बोले प्रमुख जी हमें मदद करिए, ग्राम समिति की जमीन खुद डाली, हमने भेजा थाने माने सब हुआ, नहीं सुनी। फिर ये आए, फिर रोने गाने लगे, तो हमने कहा हमसे क्यों नौटंकी, ऐसे ही कहा हमें नौटंकी मत करो भाई, आप मुख्यमंत्री को लिखो, सबको लिखो। तो इनके साथ इनने फ़ोन लगाया हुआ प्रधान जी ने, तो गांव के 20-25 लोग ऑफिस में आ गए। तो बोले आप गांव के मुअज्जत आदमी हैं, चलो अपने गांव की रक्षा है, और अपनी जो गौचर है, जो गौशाला है, गैया वहाँ चरती हैं, तो उनको अपन चारा मारा हो जाता है। ये अब बाहर के अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये खोदते रहेंगे और पुलिस नहीं आएगी तो अपन लोगों को तो रक्षा करना पड़ेगी। तो फिर हम लोग इनके साथ गए मौके पे, गए तो वहाँ पे जैसे पहुँचे तो गलत अभद्रता हमसे भी की उन्होंने, मतलब बातों में। और प्रधान जी तो पहले एक आध तमाचा शायद खाया थे, पता नहीं, लेकिन एक आध तमाचा ये खा के आ गए थे। इनका गाल तो सूजा था, भड़बड़ा रहे थे, बहुत कप रहे थे, तो बड़े अपराधी हैं वो लोग, तो ये भी दहशत में थे। मौके पहुँचे तो हमने उनको कहा भाई ऐसा मत करो, हमसे भी प्रतिनिधि पेश आए, बोले हमारे ऊपर भी संरक्षण ऐसा है, तुम हो गए भूत, बोला कि तुम भूत प्रेत थे, अब नहीं हो कुछ। तो हमने कि हमारी गांव की संपत्ति है, इसको आप ऐसे मत मिटाइए, ग्राम समाज की ज़मीन है, और गैया चरती है, हम यही कहा रिक्वेस्ट है बेटा, हमने ये कहा बेटा गैया चरती हैं, और कहीं और खोद लो, इतना डला है संसार, पूरा देश डला है, बचने दो, हमसे गलत बोले। इतने में फिर पुलिस आ गई। 26 तारीख की बात है? हाँ 26 की घटना है, हाँ 26 की बात ना, ये फिर पुलिस आ गई। पुलिस के सामने किसी ने वीडियो बनाया, और वीडियो बनाते समय मशीन भी जा रही, और पुलिस आराम से सम्मान से उस मशीन को बड़ौरा चौराहे तक, जो बलबीर पाल की मशीन थी, घर तक छोड़ के आई मशीन, और एक ट्रैक्टर भी वहाँ पलटा। फिर रात के पुलिस ने ट्रैक्टर उठवा दिया, हम लोग घर आ गए, सब लोग यहीं पे बैठ गए जहाँ पे आप बैठे हैं, यहीं पर सारे गांव के और लोगों को पता चला, 100-150 लोग इकट्ठे हुए कि हमारी ज़मीन कैसे गांव की खोदी जा रही है, तो यहाँ इकट्ठे हुए, हमने सबको समझाया कि चलो वो लोग भाग गए, और कोई विवाद मत बनाना अपन लोग, चूँकि प्रशासन अपना सहयोग नहीं कर रहा है, और ना ही थाने में सुनी जा रही। जब प्रधान को माँ बहन की गाली दी गई, हम कौन होते हैं, तो हम चुपचाप रहे, कोई मतलब नहीं, क्या करना है भैया, जिसको जो दिखाया करे, संसार सागर है, ये बात हुई। फिर 27 तारीख को ये अन्न अफसरों के पास जाते हैं। हाँ ये फिर DIG साहब ने गए, SDM साहब ने गए, और SDM साहब ने तो 26 को भी गए थे, उन्होंने कहा हम आते हैं, तो उसी समय शायद SDM ने ही फ़ोन लगाया होगा, तब वो मौके पर पुलिस पहुंची।
तो उस दिन को ये फिर 27 को ये गए, 28 को फिर DI साहब के पास गए, तो 28 को एक पटवारी महिला है हमारे यहाँ वो आई मौके पे, हम तो नहीं थे, वो आई तो जांच वाँच की होगी, जांच की उसने रिपोर्ट दी। फिर 29 तारीख को या शायद 28 को आए ये लोग, कब आए प्रधान जी? 28 में आए सर, SDM और खनिज इंस्पेक्टर और नेपाल। 29 तारीख में एक टास्क फोर्स बनाया गया जिसमें खनिज राजस्व की टीम थी, मौके पर पुलिस भी पहुंची थी? नहीं, पुलिस नहीं आई, हम नहीं थे, ये प्रधान ने बताया कि SDM हम नहीं थे, हमें इतना टाइम भी नहीं है, अपना काम धंधा करना है, सेवा और भी रहती है, घर का काम होता है। तो प्रधान जी ने बताया शाम की हमें कि आज SDM साहब और खनिज माइनिंग ऑफिसर कोई दुबे जी हैं वो आए थे, और महिला जो पटवारी है वो भी आई थी, तो देख के नापा, नाप के ये डिसाइड हुआ कि ये मुरम खोदी गई है, बेची गई है, जहाँ बेची है वो भी जगह देखी, और एक गांव के ही एक पंडित जी हैं ये देवेंद्र शर्मा, इनकी भी ज़मीन देखी, देख के फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि FIR की जाए इन पर। तो इसके बाद वो थाने गए, तो थाने में शायद वो एक दो घंटे रहे या बैठे रहे ये पता है, लेकिन ऊपर से जो संरक्षित लोग करते हैं, संरक्षण देते हैं, उनका फ़ोन आ गया, तो FIR SDM की भी नहीं लिखी गई, SDM और MO बैठे रहे थाने में और FIR नहीं लिखी गई खनिज की। 29 तारीख को जब नहीं लिखती है, 30 तारीख असल तारीख, 30 तारीख को ही दोनों पक्षों का दावा रहता है। एक पक्ष कहता है कि भैया हमारे बेटे को मारा है बुरी तरह, ग्वालियर में भर्ती है, दूसरी तरफ आपकी तरफ से एक FIR दर्ज होती है, 30 तारीख की ही घटना बताई जाती है कि आपके बेटे के ऊपर फायरिंग झोंकी गई। 30 तारीख की घटना है नायक जी, हमारे यहाँ पे संत आए हुए थे, ललितपुर में बड़ा कार्यक्रम था, तो अयोध्या से थे गौरी शंकर हनुमान जी गढ़ी के, और तुलसी जो आश्रम है, तुलसी पीठ है, उसके महंत थे, दो तीन गाड़ियाँ आई थी, कैमरे में सारा है, दो तीन गाड़ियाँ आई थी, और ललितपुर के झांसी के वैदी वल्लभ जी हैं, आप शायद नाम सुना होगा, महाराज जी हैं वो भी आए थे, तो उनका भोजन प्रसादी थी, उन्होंने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। ये ग्रहण करने के बाद बालक भी था यहाँ पे, हम पापा सब लोग यहीं थे, छोटा भाई भी किरत यहीं था घर पे कोठी में, तो भोजन करने के बाद वो चले गए। फिर हमारी और तीनों भाइयों की कुछ वार्ता हुई अपनी व्यक्तिगत परिवार के बारे में, कुछ लेन देन का पैसा था, भैया से बात हुई, वो कैमरे में है बाकायदा। खाना खाने के बाद फिर हमने बालक से कहा कि लद्दाख काम चल रहा है हमारा, लेह लद्दाख में, तो हमने कहा मेरे को 27 तारीख को निकलना है, और निकलना था, आप लोगों ने निकलने दिया, मैं 2 तारीख को जाना है मुझे, मेरा टिकट करा दीजिए। मैं अकाउंटेंट से बोला कि टिकट करा दीजिए और आप जाओ साइट की विजिट करो, ये ड्रीम अमृत पेयजल का काम है, जो एक पाइपलाइन का काम चल रहा है, तो उसका हमने कहा इसको भैया तुम विजिट करो, निपटाओ एनी हाउ, मुझे मतलब नहीं है जितना मशीन लगाना है वो लगाओ, एक काम निपटाइए, मुझे काम चाहिए, हर हालत में 20 दिन के अंदर उधर पाइप डालना है, ये बात हुई। तो ये बालक यहाँ से निकला, कौन क्या नाम? धर्मवीर सिंह, नाती राजा बोलते हैं उसको, धर्मवीर सिंह नाम है उसका, बड़ा बेटा, हमारा बड़ा बेटा धर्मवीर सिंह नाती राजा, वो स्कॉर्पियो से ड्राइवर को लेके साइड पे गया, तो साइड पे 2:30 बजे पहुँच गया जी, वहीं रहा। फिर मैं और मेरे साथ एक नया, उसी दिन नया ड्राइवर आया था, छतरपुर का एक यादव जी का लड़का था, वो उसी दिन आया था सेम, तो वो नया था यहाँ पे, तो उसी दिन मैं उसको लेके, और छोटे बेटे को पत्नी ने कहा मेरे से कि वो घर पे जनरेटर की व्यवस्था करिए, जनरेटर ख़राब हो गया है पुराना और नया जनरेटर लाना है, तो हमने पहले टाला, तो बोले नहीं नहीं आप लद्दाख चले जाओगे तो लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, इस समय बारिश से ख़राब हो रहा है थोड़ा मौसम, तो हमने कहा ठीक है हम ले आते हैं। तो हम छोटा बेटा और ड्राइवर ये पहुँचे हम लोग सीधा झांसी, तो झांसी गए, वो तो टोल पे गाड़ी निकली है, वो भी हमारी समय की है सारे, उसमें CCTV फुटेज है, घर से निकले हैं वो है, कितने बजे हम जा रहे हैं, झांसी पहुँचे, झांसी के पहले बिजोली पड़ता है, वहाँ पर ट्रक्स चल रहे थे 2 हमारे, तो उधर एक हमारा सुपरवाइज़र है मदन, तो वो उसको भी बैठा ला हमने कि भाई चलो अपन एक जनरेटर लाते हैं। तो झांसी गए तो एक सजरिया की दुकान है, इसमें कहाँ पर, मानिक चौक नहीं, आतिया ताल पे गए, तो वहाँ बैठे, उनसे बात की, वो आइसर का जनरेटर बेचते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ये मिनरवा पे आए, उधर भी देखा जनरेटर, फिर उसके बाद सदर आए, तो सदर से निकले हम लोग, तो हमने कहा यार एक कॉफ़ी पी लें, तो हमने सदर में कॉफ़ी पीने के बाद निकले। उसके बाद जब निकले तो बाड्रॉप एक जगह है, वो मॉल है बाड्रॉप,
झांसी होटल के सामने। तो वहाँ से फॉर्चूनर से हम, बेटा, मदन और ड्राइवर निकला। तो उधर एक सेल का बोर्ड लगा है कि सेल 50%। तो बेटा बोला कि सेल लगा है। तो हमने कहा यार इतने तेरे पास कपड़े हैं, क्यों सेल में ज़्यादा लगता है? बोले नहीं नहीं आपके लिए दो शर्ट लेना है और रोक लो। तो हमने गाड़ी फिर वो जब तक जो बबीना हाईवे है, बबीना से वो जेल चौराहे की तरफ आता है, उसी से ड्राइवर से कहा टर्न कर लो। तो गाड़ी टर्न की, टर्न करने के बाद हम बाढ़ ड्रॉप में 4:30-4:45 के करीब हम पहुँचे। 4:30-4:45 की घटना है, एक समय है ये। 4:30-5 पे हम, छोटा बालक, मदन और ड्राइवर गाड़ी में रहा, अंदर गए तो कपड़े वपड़े लिए, शर्ट वटे चेंज मेंज की, उसमें हम बाथरूम करने भी ऊपर गए, मोबाइल पे बात भी करते रहे जिससे होना होती है। तो वहाँ पे वार्डरोब में कपड़े लिए, वो फुटेज हैं सारे, CCTV फुटेज हैं। 5:30 पे हम लोग वहाँ से फ्री हुए। 5:30-5:35 के करीब हम लोगों ने 12-13 हज़ार रुपये जो भी कपड़े का था, 12-13 हज़ार रुपये 2-3 शर्ट ली और लेके हम लोग गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठने के बाद एक किसी को हमें कुछ पैसा देना था, तो उसका थोड़ा सा संदेश था कि हमें खेलार में मिलेंगे, हम आरा मशीन पे, आरा मशीन पड़ता है प्राण रोड पे। तो उसने कहा प्रमुख जी हम, हमारे पास 4-व्हीलर है नहीं और हम हाईवे पे नहीं आ रहे, आप पुराने रोड पे आ जाओ। तो बिजौली से, बिजौली में हम वापस आए तो बिजौली पे मदन को उतारा, हम, हमारा छोटा बेटा और ड्राइवर, हम तीनों लोग फॉर्चूनर से खैरार होते हुए, आरा मशीन होते हुए उसको देते पैसा, और दे के हम सीधा आए बवीना टोल। उस बीच में बेटे का फ़ोन आया वहीं पे जहाँ से मैं बिजौली से चढ़ा हाईवे। तो बड़े बेटे का, धर्मवीर का फ़ोन आया नादी रजा का, तो साइड के बारे में डिस्कस चल रहा था। तो हमने वो साइड के होते हैं काम, हमने भाई मैं नहीं सुनूंगा, मुझे तो यानी यह काम चाहिए, लद्दाख का भी काम डिले हो रहा है, उधर भी बर्फ़ पड़ जाएगी जुलाई में, सितंबर में काम नहीं हो, तो साइड पर सारी डिस्कस चल रहा था। तो इसने बोला ठीक है आप PM से बात कर लो, PM भी वेटिंग में है, PM भी मैं वेट कर रहा था उससे बात, प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ पे है समीर श्रीवास्तव जी, तो उनसे बात कर लीजिए। ठीक है करते हैं। इसका फ़ोन, जब तक बबीना टोल पे आ गए हम, इसका फ़ोन कट गया, मतलब हम ही ने काटा, काट के फिर समीर श्रीवास्तव को मैंने फ़ोन लगाया, अपने फ़ोन से फ़ोन लगा के, इससे 18 मिनट बात हुई हमारी। फ़ोन लगाने के बाद फिर समीर श्रीवास्तव से बात की हमने, टोल से निकल के सीधे घर आए हम। ये 6:30 बजे घटना हो गई। अब 6:30 बज गए, अब तक कुछ नहीं हुआ। अभी 6:30 बजे ये साढ़े छः, हाँ 6:30 बज गए, 6:30 बज गए, 6:10 हो गए, 6:10 हो गए, घर आ गए। तो हम बाहर रुके, 6:10 बजे तक कुछ नहीं हुआ था, नहीं कुछ नहीं हुआ। 6:10 बजे हम बाहर आ गए, यहाँ बाहर आ गए, बाहर आके ये छोटा बेटा और ड्राइवर, अटैची कौन ले गया था? तुम्हें ले गए? छोटा बेटा फॉर्चूनर बाहर खड़ी हुई, छोटा बेटा अटैची और कपड़े लेके अंदर गया कोठी के अंदर, गेट के बाहर फॉर्चूनर खड़ी कर दी, ड्राइवर वहीं खड़ा रहा, मैं बात करते थोड़ा सा इधर बगल में पड़ता वहाँ बाथरूम करने चला गया। बाथरूम की, बाथरूम करने के बाद बात ही कर रहा था, इतने में बड़े बेटे का बार बार फोन आता है। तो समीर श्रीवास्तव से, प्रोजेक्ट मैनेजर से मेरी बात चली थी लद्दाख में, तो हमने कहा समीर जी वेटिंग करिए, भैया का फ़ोन आ रहा है, मैं उससे बात कर लूँ, क्योंकि बार बार फ़ोन आ रहा था, एकदम प्रेशर था फ़ोन पे। तो वेटिंग में तो हमने क्या कुछ क्या बात है, तो हमने उसको साइड लिया, हमने कहा हाँ क्या बेटा? तो उसने एकदम घबराया, बोले पापा हम पे गोली चला दी और हमें बहुत बच गए हम लोग। हमने क्या है, कहाँ चलाई गोली? बोले साइड पे चलाई, साइड पे थे। हमने कि किसने, तुम ठीक हो, बच गए? हम भी होपलेस हो गए, जब बच्चे पे गोली का सुनने में आता है तो बड़ा मन में भी बेचैनी होती है। तो हम ये घबरा गए कि भाई ये तो बड़ा हमारे साथ घटना घट गई, और हमने हे भगवान रक्षा करो। तो हमने चिल्लाया बेटे को, छोटे वाले को, पिंसू दौड़ गया, पिंसू दौड़ो। उधर से ऑफिस से भी लोग दौड़ के आए, ऑफिस में 3-4 लड़के थे, मुनीम था, एक सुपरवाइजर है, एक अकाउंटेंट और है, 3-4 लोग वहाँ से दौड़ के आए, ड्राइवर भी घबरा गया। तो पिंसू आया, इधर गांव के भी लड़के मोहल्ल बगल में जो रहते हैं वो भी आ गए, क्या हो गया? हमने कि चलो भैया पे अटैक किया है। तो वो लोग गाड़ी में बैठने लगे, दूसरी गाड़ी भी निकाली, उसमें दूसरा ड्राइवर निकल गया। तो छोटा बेटा फ्रेश व्रेश हो रहा था बाथरूम में, वो लोअर पहन के ऐसे ही भागा और नंगे पांव भागा आवाज़ सुन के। तो गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठने के बाद वो हमारे साथ गया। तो जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, तो मैंने घर से निकले ही हूँ, तो सबसे पहले फ़ोन मैंने बबीना इंस्पेक्टर साहब को लगाया, अरुण कुमार तिवारी जी को।
मैंने कहा सब हमारी मदद करिए, बोलिए क्या क्या मदद चाहिए। हमने साहब हमारे बेटे पे हमला कर दिया है, गोली चला दी है और हमारी मदद करिए, आपसे बड़ी विनती है, हमें बहुत मदद की आवश्यकता है, आप तुरंत मदद करिए मुरली माता मंदिर पे। थानेदार ने साहब ने हमसे थोड़ा बहुत ज़्यादा अभद्रता से बात की। क्या बोला? उन्होंने कहा मुझे मतलब नहीं है और मेरे को फ़ोन मत लगाया कर, लगाना है तेरे को तो 112 पे फ़ोन लगा। ये कहा यही सब थे बिल्कुल। अरुण तिवारी कहीं अपने बच्चे बाल बच्चे वाले हो तो वो मंदिर पर कसम कर जाए, नहीं तो मैं मंदिर पर कसम करूंगा। और हमारे इस फोन में रिकॉर्डिंग होती नहीं, वो आईफोन है, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो रिकॉर्डिंग सुना देता। हालांकि हम रिकॉर्डिंग करते भी नहीं है कोई, क्या करना है, कहाँ तक रिकॉर्डिंग करो, 10 घंटे तक बात होती है, कहाँ तक रिकॉर्डिंग करो। तो ये इसने जो शब्द कहे तो हमारा अंदर से और आत्मा काँप गई, आत्मा काँप गई कि ये तो बड़ी घटना घटने वाली हो, ऐसे करा। फिर मैंने 112 पे 3-4 बार फ़ोन लगाया लेकिन नहीं लग पाया। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन लगाया तो मैंने बेटे को पूछा तुम ठीक हो, बोला हाँ अभी तो हम हैं, वो लोग हैं छुपे हैं दो लोग, एक को हमने पकड़ लिया, तो हमने पकड़ के रखो टोल से हम निकले। ये 6:30 की घटना है, करीब 6:30 या 6:35 की घटना है। टोल क्रॉस किया फॉर्चूनर से, हम ड्राइवर छोटा बेटा और उसमें एक दो लोग और थे फॉर्चूनर में, हम पहुँचे घटनास्थल पर। तो बेटे ने वहाँ पर उसको एक को पकड़ रखा था, इस पे ये क्या ना रोहित यादव को पकड़ रखा था, तो ये घबरा रहा था तो उसके मुंह में खून मुँह निकला, बेटे को भी चोट थी। तो हमने बताओ ठीक ठाक हो, घबरा गए तो हमने कहा क्यों तुमने ऐसा क्यों किया, तो बोले आज तो बच गए मादर तुम, लेकिन हमें तो निपटाना था तुम्हें। आपको मतलब? हाँ, उसने यही कहा कि हमें निपटाना था तुम्हें, लेकिन ये इसको भी निपटाते हम, लेकिन ये तो आज बच गया, अब कब तक बचोगे, तुम उनको निपटाएंगे, हमने क्या बिगाड़ा। बोले तुमने हमारा खनन बंद कराया, जिससे हम लोग अपना क्षेत्र में बाहुबल करते थे, खनन बंद कराया तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। उस साइड जो झांसी से आने वाले साइड पे वो गाड़ी खड़ी थी इसकी, क्या नाम है, बलबीर पाल की, वो थी क्या नाम है L2, और ये रोड के उस साइड था जिस साइड काम चल रहा था। तो हमने स्कॉर्पियो में इसको बिठा ला, और हमारा जो नया ड्राइवर था उसको कहा, इतने में और भी गाड़ी हमारी थार पहुंच गई साथ में पीछे, तो हमने कहा इसको कि भैया इसको ले जाओ हॉस्पिटल या ब्लॉक थाने पहुंचाओ। किसको? रोहित यादव को। आप उससे पूछ लेना रोहित यादव से, कहीं वो ईमानदारी पे रहेगा तो वो बताएगा आपको। हमने कहा उससे कि आप इसको हॉस्पिटल ले जाओ, इसके ये झपलन थी इनकी, तो वो पत्थर उसके मुँह में लग गया, तो खून वून आ रहा था, तो पत्थर ले वहाँ पर काफ़ी। तो अच्छा, हम बेटे को घबरा गए कि बेटे में ऐसा नहीं हो कहीं और गोली घरी हो, पता नहीं चल रहा हो, तो हम ले गए। और फिर हम थाने में क्यों आते, थानेदार पहले हमें गाली दे रहा है फ़ोन पे कि मतलब दपट रहा है जैसे हम कोई चोर चक्के हों, गवर्नमेंट का काम चल रहा है, सब बातें बदतमी से बोल रहा है। तो हम सीधे गाड़ी लेके अपनी सीधे झांसी पहुँचे, भाई SSP साहब के पास जाएंगे या ऊपर जाएंगे, बेटे को लेके हम पहुँचे। तो हम झांसी तक पहुँच भी नहीं पाए और हम पे 308 का मुकदमा लग गया। अब क्या हुआ, जैसे ही हम टोल से निकले, उधर घटनास्थल से बेटे को लेके निकले, तो हमने फ़ोन लगाया, वो ड्राइवर के साथ था एक क्या नाम है गणेश और एक गोलू, तो हमने कहा, हमने कहाँ पहुँचे, बोले कि टोल निकल गए, तो हमने कहा टोल क्यों निकल गए, तो बोले इसको ले जाना है, हमने कहाँ ले जाना है, बोले अस्पताल। अरे हमने कि नहीं कहा मादर अस्पताल ले जाना, तो अस्पताल ब्लॉक में है ना, बबीना ले जाओ, यहाँ कहाँ ले जा रहे, तो बोले नहीं नहीं हम घबरा गए, हमें गाली दे रहा है माँ बहन की ज़्यादा, हम घबरा गए। तो उनने फिर गाड़ी कहीं से लौटाई होगी बीच में से, वो टोल से फिर वापस ले गए घिसौली के पहले से वापस ले गए, तो वो स्कॉर्पियो टोल तक पहुँची। टोल पे फिर हमारा उसी समय हमारा भाई पहुँचा, छोटा भाई 3-4-5-6 लोगों के साथ वो घटनास्थल के लिए, और ये गाड़ी में से कूद के इसका भाई भी आ गया, कूद के भाई पे अटैक किया, तो भाई तो बच गया ऐसे ऐसे करके इसने किया। और बीनू ने और उसने कहा कि साले 50,000 रुपये महीना मुझे चाहिए, नहीं तो जान से, वो बेटे से भी कहा था उसने कि मुझे तुम खनाज बंद कराओगे तो मुझे 50,000-60,000 रुपये महीने का चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा। और फिर भाई से भी उसने बदतमी से बोला, तो भाई को निकला, भाई ने उसको खून देखा, तो भाई ने कहा कि अरे लंबरदार खून लगा है, दवाई ववाई कराओ, हम देखते हैं आते हैं, ये कह के भाई भी पीछे से आ गया। फिर हम झांसी पहुँचे, झांसी पहुँचे तो फिर हमने FIR पता चला कि हमारा नाम FIR हो गई, ये क्या नाम है जो एड्रेस SP साहब हैं कोई नए, पता नहीं कौन है, पहली बार गए हम,
हाँ, तो उनके पास हम गए तो हमने दरखास्त दी, उनने बात सुनी, दरखास्त देने के बाद बात सुनने के बाद उनने कहा कि FIR करा दो। हमने हम तो नहीं जाएंगे FIR करने, बोले क्यों, हमने उधर टोल पे हजारों आदमी खड़े हैं और उनके थाने में खड़े हैं, हत्या करा देंगे हमारी, तो हम नहीं आए। थानेदार वो साहब बोले बोले आप परेशान ना हो, पुलिस आपके पास लेने जाएगी उधर। उनने फ़ोन लगाया उनको मौके पे, तो CO मैडम आ गई थी। CO मैडम ने मौके पे जाके देखा कि CO ने देखा कि बहुत लोग 400-500 लोग एक समाज के समूह बना के थाने को घेर रखा था कि ये लोग आए तो इनको निपटा दो। तो हमने हम नहीं गए, फिर हम घर आ गए, घर पे पुलिस आई, DI साहब ने हमारे साथ या DIG के पास खबर पहुंची होगी कहीं से, उन्हीं ने कहा होगा कप्तान साहब ने, वो SSP साहब ने, तो DIG साहब ने फोर्स पर भेजा। SS साहब ने आए रात के 2 बजे, इधर मौका देखा तो ये गांव के क्षेत्र के लोग भी आ गए, 2000 लोग कर हमारे घर पे कि भाई हमारे प्रमुख जी पे कोई घटना के बाद DIG मौके पे आए थे, DIG नहीं SSP। घटनास्थल पर रात की आए 1:30 बजे और CO मैडम आई, तो फिर इसके बाद FIR लिखी गई और जो खनिज की FIR थी फिर सवेरे लिखी गई 31 तारीख को। मतलब खनिज की FIR जो उस दिन 29 तारीख को लिखना थी, मतलब DIG साहब ने प्रधान को कहा जांच कराओ, DIG साहब के कहने पे हुई जांच। DIG साहब बहुत न्यायप्रिय हैं, उनने हमारे बता रहे कि जी प्रधान के सामने फ़ोन किया, सब लोगों के सामने फ़ोन किया, हम तो नहीं थे, फ़ोन किया तो DIG साहब ने उनसे कहा, क्या नाम है अधिकारी जिससे, कहा कि हमें जांच सत्यता चाहिए, कहीं सही है तो बताओ, झूठ है तो मैं प्रधान से बात करूंगा। तो DIG साहब ने जब प्रस्ताव बनाया तो फिर SDM आए, माइनिंग अफसर आए, ये सब लोग आए, जांच हुई मौके पे। खनिज का मुकदमा था तो उस दिन तो राजनीतिक दबाव में नहीं लिखा गया उनके पास, SDM खुद बैठे बैठे थाने में चले गए, SDM की फ़ोटो देख लो, उनकी लोकेशन देख लो, SDM साहब की, उनका मुकदमा नहीं लिखा गया, खनिज का, वन विभाग का, उसका क्या नाम है प्रधान का। फिर 1 तारीख को ये मुकदमा उनके खिलाफ दायर हुआ और ये बात घटना है। ये पूरी घटना है, बड़ी विस्तार से बताई आप लोगों को, ये पूरी घटना हुई थी। और इस घटना के सार में यदि दोनों पक्षों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं बबीना पुलिस की भूमिका बहुत अहम नज़र आ रही है। पहली, यदि वहाँ खनन हो रहा था 26 तारीख के पहले से और ग्राम प्रधान घिसौली जब वहाँ पहुँचे तो बबीना पुलिस ने सुना क्यों नहीं। दूसरा सवाल ये है कि यदि 26 तारीख को वहाँ खनन हो रहा था, शिकायत करने के बाद जब SDM ने मौके पर आने की बात कही और ग्राम प्रधान से वहाँ पहुँचने की बात की, वहाँ मौके पर पुलिस भी पहुँची इनके मुताबिक, उस समय पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, JCB क्यों नहीं पकड़ी, इसका एक वीडियो भी उस समय सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तीसरी घटना, जब 30 तारीख, जब 29 तारीख को जब पूरी टास्क फोर्स आता है जांच करने के लिए, वो अपनी तहरीर देता है बबीना पुलिस को कि ऐसा ऐसा पाया गया है, वो FIR क्यों दर्ज नहीं होती, वो FIR फिर 1 तारीख में क्यों चली जाती है, 1 तारीख में क्यों दर्ज की जाती है, सवाल ए भी है। चौथा सवाल, जब ये जो बीरन सिंह जी हैं बता रहे हैं इनकी तहरीर के बाद, हालांकि मुकदमा भी दर्ज करना पड़ा बबीना पुलिस को, जब इन्हें फायरिंग की सूचना मिलती है उनके बेटे के ऊपर तो ये बबीना पुलिस को फ़ोन करते हैं, सीधे बबीना SHO का नाम भी ले रहे हैं कि उन्हें जब जानकारी देते हैं तो वो सीधे हाथ खड़े कर देते हैं और बताते हैं कि इसकी सूचना डायल 112 को दो। ये 4 प्रकरण जो हमने आपको बताए, 4 अलग अलग तथ्य बताए, एक और प्रकरण है महाराज, और कौन सा है एक प्रकरण जो है कि अब बेतवा ब्रिज पे चले जाओ, अभी कितना तो अभी रात हो गई, आप चले जाओ 10 पत्रकार लो आ जाओ, बेतवा ब्रिज है जो 2 ब्रिज बने, एक झांसी हाईवे की, उधर हजारों ट्राली उधर से डंपर बालू निकलती है, बलवीर पाल निकालता है JCB से खुलेआम, और मतलब अब कहना नहीं चाहिए कितना बड़ा हो रहा है, वहाँ कोई पट्टा नहीं ना कुछ नहीं, सारा पुल गिर जाएगा तो लाखों आदमी मरेंगे, दोनों पुल गिरेंगे, आप देखे आओ लाखों, और अभी हजारों ट्रॉली बड़ौरा में बालू डंप पड़ी है, कोई नहीं है देखने वाला। और ये को सुन लो पंडित जी, आप नायक जी सुन लो, वो तो उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, उसका मोबाइल गिर गया, ड्राइवर को मिला रोहित यादव का, वो मिल गया इतफाक से, माता रानी की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है, संत लोग आए थे, जब हम गौच की रक्षा करेंगे, ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे तो ब्राह्मण आए हमारे यहाँ सेवा कर गए, हमें पुण्य मिला उसका, मौके पे जाके देखा
एक मोबाइल डला मिला उसको चार्ज किया स्टाफ ने, एक ड्राइवर को मिला, उसने देखा ऐसे ही लगा तो खुल गया, उसमें रोहित यादव का मोबाइल है, वो उसमें सारी चीज रिकॉर्डिंग है। वो कह रहा है आ जाओ, किसी और लड़के को बुला रहा है रोहित यादव, आ जाओ छेंक लाओ। बोले अरे भाई छेंक लाओ उन्हें, मतलब बुंदेलखंड में छेंक भी को मतलब है कि छेंक लाओ उन्हें, मतलब आप समझ रहे हैं आप, अंग्रेजी भाषा तो है ना छेंक लाओ। वो कह रहा है छेंक लाओ उन्हें, सुबह कह रहा वो भाग जाए मार के, अरे वगैरह वो हजे नाती काय से, वो कह रहा स्कॉर्पियो से मुन ने बताओ, वो कह रहा वो हजे नाती रह जाए, मतलब अटैक करना था हम पे। बेटा मिला इस पर फायर किए, इन लोग दोनों तीनों लोगों ने फायर किए, बलबीर पाल और राजपाल भाग गए और वो मौके पे ये एक को पकड़ लिया, तो इससे स्टाफ की इसकी भिड़ंत हुई। तो ये साक्ष्य भी है उसका मोबाइल की, हमने डाटा लिया। फिर मैं गया जिला अध्यक्ष हेमंत के पास, जो हेमंत है, मैं जिला पंचायत जिला पंचायत प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ भाजपा से, और मेन कार्यकारिणी में सदस्य हूँ। तो मैं उस नाते जिलाध्यक्ष जी के पास अपनी बात रखने गया, उनको मोबाइल बताया, रिकॉर्डिंग बताई, उन्होंने हमारे सामने डीआई साहब से बात की। डीआई साहब ने कहा आप इस मैटर में एसएसपी से बात करिए, हमें फ़ोन मत लगाइए, तो हमें नहीं, उन्होंने कहा कि उनसे बात करिए, वो आ गए हैं, ये कहा डीआई साहब ने, क्षमा चाहते हैं। डीआई साहब ने कहा हमारे सामने स्पीकर खुला था कि आप एसएसपी साहब को फ़ोन लगाइए, एसएसपी साहब आ गए हैं, वो कोई दिक्कत हो हमें बताना, डीआई साहब ने कहा। फिर उन्होंने एसएसपी साहब को फ़ोन लगाया तो एसएसपी साहब से बात हुई, तो एसएसपी साहब ने कहा कि वो बीरेन सिंह, उन्होंने कहा हमारे अध्यक्ष जी ने कि बीरेन सिंह वाला मामला है साहब, कुछ साक्ष्य देख लो। एसएसपी साहब बोल रहे कि उसको मेरे सब पास भत भेज देना, उस पर 308 का मुकदमा है, अपराधी है, उसको तो जेल भेजेंगे, उसके कह दो क्षेत्र में ना देखे दर, नहीं तो उस पर मुकदमा कायम है, उसको उठा के चारों लोगों को बंद कर देंगे, अपनी बेल करा ले। ये पूरा प्रकरण था जो हमने आपको बताया, दूसरे पक्ष की पूरी बात थी, कल हमने पहले पक्ष की पूरी बात आपको सुनाई थी, क्या पूरा उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले में, आज हमने इस दूसरे पक्ष से बात की है, इन्होंने क्या कुछ कहा आपको बड़े विस्तार से बताने का प्रयास किया। ऐसी ही और भी तमाम रिपोर्टों को देखने सुनने के लिए जुड़े रहिए बुंदेली वार्ता से, हम फिर मिलेंगे एक और नई रिपोर्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।